गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर ईवीएस असाइनमेंट। टूडे वी रिवाइज द लेसन नंबर 16, दैट इज सीजन्स। सो इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द सीजन, वेदर एंड स्काई ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। सो इन दिस लेसन फर्स्ट यू हैव अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स अवर अर्थ। So in this lesson there are all about the season, that is seasons. How many seasons are there? There are 5 main seasons. First is summer, monsoon. Summer में क्या क्या होता है? गर्मी होती है बच्चे, आपको पता है। Next is monsoon. Monsoon season कौन सा होता है? Rainy season. Next is autumn season. Autumn season कौन सा होता है बच्चे? जिसे हम पतझड़ कहते हैं, जहाँ जिसके जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो फॉल करते हैं, उसको हम ऑटम सीजन कहते हैं। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है बच्चे? विंटर सीजन में जो है ठंड होती है और हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और सन जो है वो शाइनिंग करता है वेरी ब्राइटली। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज योर स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? जब दिस सीजन इज द सीजन बिटवीन द विंटर एंड द समर, जब ट्रीज के न्यू लीव्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक है बच्चे। द स्काई ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। इन समर द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, स्काई रिमेन्स ब्राइट एंड क्लियर इन समर सीजन, बट इन विंटर द सन डज नॉट शाइन वेरी ब्राइटली, द स्काई रिमेन्स डल, बट इन मॉनसून द स्काई रिमेन्स कवर्ड विद द थिक क्लाउड्स, सो इट लुक्स डार्क। So this is all about the season lesson. Today we revise the book exercise. First is tick match the following. First is summer. Summer में क्या करते हो आप? We eat ice cream. Ice cream खाते हो ना summers में? Next is winter. Winter में क्या होती है? Snowfall. Next is monsoon. Monsoon में क्या होता है? We use umbrellas. ऑटम सीजन में क्या होता है? लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, जो लीव्स एंड ट्रीज के वो फॉल करते हैं ऑटम सीजन में। नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? न्यू लीव्स ग्रो करते हैं। ऑटम में क्या करते हैं? लीव्स जो हैं वो फॉल करते हैं और स्प्रिंग सीजन में लीव्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ। क्या है ग्लोब? मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर किसे बोलते हैं हम? लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर। नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेदर वर्ड, ठीक है बच्चे। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? सनी, क्लाउडी, विंटर, रेनी। सनी, क्लाउडी एंड रेनी क्या है? ये सीजन, ठीक है, नॉट अ वेदर वर्ड। ये सनी, क्लाउडी, रेनी क्या है? वेदर है। तो विंटर क्या है? सीजन। विंटर इज द ऑड वन। विंटर इज नॉट अ वेदर वर्ड। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज इन स्प्रिंग सीजन डैश फ्लावर्स ब्लूम, ट्रीज गेट न्यू लीव्स, बर्ड बिल्ड नेस्ट, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है ना बच्चे, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं, ट्रीज के न्यू जो लीव्स हैं वो आते हैं, बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सी पार्ट है, इट रेन्स द मोस्ट ड्यूरिंग डैश, सबसे ज़्यादा रेन कब होती है? समर में नो, स्प्रिंग में नो, मॉनसून। मॉनसून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यू विल बियर अ वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंट सीजन। वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं हम? विंटर सीजन में। समर, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग। विंटर इज द राइट आंसर। अ डैश इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, किसे बोलते हो हम स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ? ग्लोब। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है आपके पास टिक द ऑड वन आउट। इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स, स्वेटर, मैंगोज, फैन। सो कॉटन क्लॉथ्स, मैंगोज एंड फैंस क्या हैं? ये सारे किसमें यूज होते हैं? गर्मियों में। स्वेटर इज द ऑड वन, क्योंकि हम स्वेटर कब पहनते हैं? सर्दियों में, विंटर सीजन में। ओके बच्चे,
नेक्स्ट इज जैकेट्स, स्कूलर्स, स्नोफॉल, स्वेटर। आपको पता है बच्चे जैकेट कब पहनते हैं हम? विंटर में। स्नोफॉल कब होती है? विंटर में। स्वेटर कब पहनते हैं? विंटर में। कूलर्स कब लगाते हैं? समर में। तो कूलर्स इज द ओड वन, सो टिक दिस कूलर्स। नेक्स्ट इज समर, विंटर, विंडी, स्प्रिंग। समर, विंटर, स्प्रिंग क्या है? सीजन। विंडी क्या है? विंडी क्या है? वेदर। सो विंडी इज द ओड वन। नेक्स्ट डी पार्ट इज क्लाउडी, सनी, हॉट, ऑटम। क्लाउडी, सनी, हॉट क्या है? ये क्या है? सीजन्स। और ऑटम ये क्या है? वेदर। और ऑटम क्या है? सीजन। ऑटम इज द ओड वन आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 16। रेस्ट वीडियो आई द लास्ट चैप्टर ऑफ and the last question answers and the true false of this lesson we revise in next assignment. Thank you, bachche.